नंबर तो चलो बात की बात है ना, अभी क्या है किसी का भी पेपर नहीं छूटेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 50% मेथड क्या है देखो भाई बता दो ना, एडवांस में बात करें अगर तुम 50% नंबर ले आते हो, तुम्हारी रैंक पता है क्या होती है, सिलेक्शन होगा 50% में। मुश्किल लग रहा है क्योंकि बोर्ड में तो 99 ले आते हैं, 98 ले आते हैं पेपर हर साल, बस यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता पेपर। 50% में तुम्हारी 5000 के अंदर रैंक होती है जे एडवांस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये समझो सबसे पहले तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं है फुल में से फुल, यहाँ पर रैंक उनकी नहीं आती है, यहाँ पर रैंक उनकी नहीं आती है जो हर एक क्वेश्चन करता है, यहाँ पर रैंक उसकी आती है जिसको पता होता है क्वेश्चन देख के कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, उसको पता होता है कि भाई इस पेपर के ये 50% क्वेश्चन तो मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं करूँगा ही नहीं। इसका मतलब है जब तुम पेपर पढ़ रहे हो अगला पेपर सब लोग इसी तरीके से देंगे, ठीक है। ठीक है अभी तुम्हारे 50% से ऊपर थे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हारा पेपर छूटा है, मैं तुम्हें बता दूँ क्या करना है ना, बाकी किसी के भी 50% से ऊपर नंबर नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट तो क्या है, 50% लेके आओ, सबसे पहला टारगेट तो क्या है हमारा, 50% नंबर लेके आओ, ठीक है। मेंस में भी तुम्हारे 50% के अराउंड आ जाती है, 15-20 हज़ार कुछ रैंक आ जाती है मेंस में भी, तो NIT मिल जाता है। तो पहला टारगेट भाई 50% लेके आओ सबसे पहले तो, उसके बाद आगे का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और इंप्रूव करेंगे, रैंक्स के लिए करेंगे, अंडर 1000 अंडर 500 जो भी सब करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सिलेक्शन के लिए 50% चाहिए बस, काफ़ी NIT IIT दोनों मिल जाएगा। तो देखो अब क्या करना है, 50% का मतलब क्या है ना, जब पेपर कर रहे हैं तो मैं तीन तरह के सिंबल बनाता था ना, अब तुम्हारा ऑनलाइन होता है उसमें भी तरीका होता है मार्क करने के, तुम्हारे पास दिए जाते हैं ना, तुम उनको मार्क कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा ये जो अटेम्प्ट कर लिए वो आ जाएंगे तुम्हारे बने, जो अनअटेम्प्टेड है वो आ जाएंगे, जो नहीं पढ़े उनके सबके सिंबल होंगे, जब तुम देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा ना। बाकी जब ऑफलाइन पेपर जो अभी दोगे तो उसमें किस तरह से करना है, तीन तरह के सिंबल जो मैं यूज़ करता था मैं बता रहा हूँ। एक तो टिक वाला सिंबल होगा, मतलब ये टिक वाला मतलब हर एक क्वेश्चन में तुम इन तीन में से कोई ना कोई तो मारोगे, टिक मारोगे, क्रॉस मारोगे या सर्किल मारोगे, हर क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। क्या है देखो, टिक क्या है, क्रॉस क्या है, सर्किल क्या है। टिक मतलब तुमने जैसे बात कर लेते हैं मेंस की बात कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन में कितना टाइम है, 2 मिनट, 30 क्वेश्चन हैं, 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। एम्स में कितना टाइम मिलता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, पता है एम्स में भाई वहाँ पे अलग लेवल है, एम्स का पेपर का पहले तो लेवल भी आसान नहीं होता और क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है तो बहुत अलग लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। नीट में कितना टाइम है, 1 क्वेश्चन में कितना है, 1 क्वेश्चन में कितना बताओ रिद्धि, टाइम तो बताओ, 1 है ना 180 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, अरे पर उसमें 4 हो जाते हैं, 3 घंटे में 4 हो गए ना, इतने से टोटल तो 180 है ना, टोटल तो 180 क्वेश्चन है ना, तो एवरेज बोल दे 1 मिनट बनना, जनरली तुम्हारा पता है उसमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि बायो में अगर तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, समझ में आ रहा है। तो अभी से फिजिक्स लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालनी है, 1 घंटा तो एटलीस्ट निकालनी है फिजिक्स लिए अगर करना है तो, पर ठीक है फिर भी जो भी है टाइम बहुत कम है, जो भी है टाइम बहुत कम होता है, टाइम का खेल होता है, सिर्फ कंसेप्ट अकेले आने से नहीं होता, साथ में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, क्वेश्चंस इंडीड हमें प्रैक्टिस इस लेवल पे करनी होती है ना, कि क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत सारे गलत आते हैं। जैसे अगर मैं बताए बात करूँ कि मान के चलना फिजिक्स में 5 गलत होंगे, केमिस्ट्री में 5 गलत होंगे, मैथ्स में एटलीस्ट इतने तो गलत होते ही हैं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ छोटे मोटे मतलब मीडियम लेवल की गलती, बड़े बड़े लेवल की गलती तो 1-2 क्वेश्चन में होगी, और अगर तुम छोटे लेवल की गलती की बात करो तो 30 में से 10-15 तो गलत होंगे छोटे लेवल की गलतियाँ, अभी अपन करेंगे डिस्कस पता चलेगा। तो क्वेश्चन परफेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चन में हर एक चीज मेंशन नहीं होगी, क्वेश्चन कुछ ना कुछ लेवल पे गलत होंगे, हमें प्रैक्टिस इस लेवल पे चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के अगर उसने चीजें भी कंप्लीट नहीं लिखी ना, मुझे समझ में आ जाए मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि ये बंदा ये पूछना चाह रहा है, ये बंदा ये नहीं पूछ रहा, ये बंदा कुछ और पूछना चाह रहा है, और इस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए तुमको। परफेक्ट क्वेश्चंस कभी भी एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में, ये ठीक है। गलतियां हमेशा होंगी, हर साल होती हैं, हर साल बोनस होते हैं, हर साल करेक्शन होते हैं, हर साल गलत क्वेश्चन पे भी कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन गलत होता है पर वो गलती नहीं मानते, कई बार ऐसे कितने सारे दिखा दूंगा मैं तुम्हें JEE Advanced में क्वेश्चन गलत है, क्लियरली आंसर गलत है, पर नहीं ना बोनस होता है ना कुछ होता है, खैर उनपे तो तुम कुछ नहीं कर सकते पर उनमें हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है क्या। चलो देखो 50% मेथड क्या है भाई, अब जो क्वेश्चन है चलो एग्जाम्पल के लिए मेंस उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन में कितना टाइम है हमारे पास, 2 मिनट का टाइम है ना, अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें दिख गया ये टॉपिक के मैंने सारे SC वर्मा पूरी खत्म करी थी, प्रीवियस ईयर के सारे खत्म करी, ये क्वेश्चन मेरा बहुत तगड़े तरीके से तैयार है, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में मैप बन जाता है, पता है मुझे दिख रहा है कि मैं ये वैल्यू निकालूंगा, ये करूंगा और इसका सीधा मेरा आंसर आ जाएगा, और मुझे आंसर लाने में ज्यादा समय भी नहीं लगना, 2 मिनट के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है उस क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट करो, तुरंत सॉल्व करो, तुरंत बबल करो, खत्म। टिक वाले समझे, अब क्रॉस वाला क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ा, देखते ही दिख गया ये टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया रोटेशनल का, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, समझ में आ रहा है। या फिर चलो पढ़ा था मैंने थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ा था पर
क्वेश्चन पढ़ के मुझे कुछ अंदाजा नहीं लग रहा क्या करना है, कोई आइडिया नहीं आ रहा, पता नहीं इसमें क्या पूछ लिया है ना, समझ में आ गया, सी पूछ लिया, मुझे नहीं पता भाई ये सी मैंने निकाला, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही तुम्हें पता चल रहा है भाई मेरे को आइडिया नहीं है ये क्या पूछ रहा है। तुम्हें इंडीड ऐसा क्वेश्चन देख के खुश होना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 50% क्वेश्चन करने हैं, मान के चलना एग्जाम के ऊपर लिखा है अटेम्प्ट 50% क्वेश्चंस, मान के चलना इमेजिनरी ने लिखा हुआ है, तुम्हें देखना है, समझ में आ गया बात, और इसको फॉलो करना अगली बार। तो ऐसा जब क्वेश्चन मिलेगा तो हमें क्या कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं, पेपर खोला स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं हुए कॉन्फिडेंस डाउन गया, अरे वहाँ पे कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है, वो तुम्हारे हर चीज़ के साथ खेल रहा है, तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। 5 क्वेश्चन मिल गए ना जिनको नहीं करना, अच्छी बात है ना, पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर 5 क्वेश्चन भी तुम्हारे लगातार नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, 50% तो हमको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, ये एग्जाम 100% वाला नहीं है, ये 50% वाला एग्जाम है, सिर्फ 50% क्वेश्चंस करने हैं हमको, तो हमको ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के खुश होना है, अरे अच्छा हुआ है, अरे चलो बच गया टाइम, समझ में आ गया। तो क्रॉस मतलब समझ गया, टिक मतलब समझ गया, 100% आता है मेरे को, 100% तो खैर कुछ नहीं होता, 95% आता है मेरे को, 95% नहीं आता मेरे को। सर्किल देखो, एक तो क्वेश्चन पढ़ा भाई, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मैंने अच्छे से तैयार करा था, क्वेश्चन पढ़ रहा है, हाँ लग रहा है सॉल्व हो जाएगा, मुझे 100% नहीं दिख रहा क्या आएगा, पूरा मैप नहीं बना मेरे दिमाग में, पर हाँ शायद ऐसे ऐसे करूँ तो शायद सॉल्व हो जाए। जितने भी शायद वाले क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उन पे क्या करेंगे सर्किल, रिस्क चांस थोड़ी ना भाई, टाइम थोड़ी ना है, पहले अटेम्प्ट में जो पहला अटेम्प्ट होता है, जो 50% वाला अटेम्प्ट होता है, उनमें इसमें सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो हमको बहुत, हमें दिखते ही दिख रहा है हमसे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, डाउट वाले क्वेश्चन नहीं करने। ये कौन सा है, डाउट वाला जोन है, ये शायद हो जाए, हो सकता है 60% चांसेस हो जाए, हो सकता है नहीं हो, 40% हो सकता है, 50-50, कोई भी जिसमें तुम श्योर नहीं हो उस क्वेश्चन पे क्या करोगे तुम, सर्किल मार के छोड़ दोगे, और सर्किल किस पे मारना है, एक अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर बार आते हैं, और समझदार वो होता है जो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देता है, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें दिख जाएगा भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा, दिख रहा है पक्का हो जाएगा, मैं 100% श्योर हूं ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, पर इस क्वेश्चन को करने में मुझे 6 मिनट लगेंगे, इस क्वेश्चन को करने में मुझे 10 मिनट लगेंगे। अगर वो क्वेश्चन तुम 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, तुमने कोई समझदारी का काम नहीं करा, तुमने उसके चक्कर में 4 और क्वेश्चन छोड़ दिए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बनाए ही छोड़ने के लिए जाते हैं, याद रखो बहुत सारे क्वेश्चन होते ही छोड़ने के लिए हैं। शायद मैं फंस गया होता इसमें, 2016 में एक क्वेश्चन आया था, खतरनाक आया था, रोटेशन में तो अलग लेवल क्वेश्चन आया था, रोटेशन पे ऐसा बना दिया था, एक डंबल ऐसा बना दिया था और घुमा दिया था, टफेस्ट तो नहीं बोलूंगा, हाँ वन ऑफ द टफेस्ट है, टफेस्ट क्या है यार, हमारे सिलेबस के बाहर है, हमारे IIT JEE में साफ साफ मेंशन करा है, रोटेशन इन वन डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या ये टीचर से नहीं हुआ सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व नहीं हुआ था, मेरे से भी नहीं हुआ था, बहुत हद तक पहुंच गया था, क्योंकि पता ही नहीं था, वो फिजिक्स पढ़ी ही नहीं थी हमने, हाँ उसके बाद पढ़ ली, उसके बाद कर ली, वो पता लगे, तो अब क्या हुआ, कई तरह के बच्चे होंगे, बहुत सारे, मैं रैंकर्स की बात करूँ है ना, बाकी तो छोड़ दिए होंगे देख के, अब रैंकर्स में बहुत सारे भिड़ गए होंगे, नहीं हम तो इस क्वेश्चन को करेंगे, हम तो इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ तो किसी से नहीं, उनकी रैंक डाउन हो गई। एक था कार्तिक पाटेकर करके, ऑल इंडिया 6 रैंक लाया था, उस बंदे ने इस क्वेश्चन को नहीं कर रखा है, सर मैंने देख के छोड़ दिया, मैं समझ गया था मेरा क्वेश्चन नहीं है, खत्म। तो भाई रैंक उनकी आती है जो देख के पहचान जाते हैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही आते हैं एग्जाम में, समझ में आ रहा है क्या, तो वो क्वेश्चन हमको देखते ही क्या करना है, छोड़ देना है। ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे कहीं इसको तो आधे घंटे में ना कर पाओ, आधे 1-2 घंटे बैठे रहो इसको, तो हो जाएगा, तुम्हारा लगा रहेगा, बहुत सारे लोग गलत गलत करके डाल दिए इसके सॉल्यूशन, डाले बहुत सारे गलत सॉल्यूशन डाले हुए, सारे गलत फर्जी सॉल्यूशन, ठीक है, तो समझ में आया क्या, इन तीन का मतलब समझ में आया क्या, टेक मतलब हो रहा है ये तो मेरे से, ये मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये शायद है ना, समझ में आ रहा है ना, तो क्या करना है अब तुम्हें, पहले अटेम्प्ट में तुम्हें कोशिश करनी है, क्या करना है, सिर्फ 50% क्वेश्चन करने का टारगेट है, 50 का एंडी तुम्हारे 40% भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया, पर 50 से ज़्यादा नहीं करना, ढूंढ के करना है। अब ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट करने में तुम्हें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन हर एक पर्सन के अलग अलग है ना, 2 घंटे लग गए, चलो 2.5 घंटे भी लग गए तो भी कोई बात नहीं है, 2.5 घंटे में भी हो गया तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है, अब मान लो 2.5 घंटे में गए तो अपन बस्ट केस मान दे, तुमने 2.5 घंटे में 50% क्वेश्चन कर लिए, तो अब तुमने देखो क्या करा, सबसे पहले तो तुमने क्या करा, तुम्हारा इस मेथड से कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जिनको हमें नहीं करना है, हाँ 5 क्वेश्चन आ गए नहीं हुए अच्छी बात है ना, बाकी तो बहुत सारे हैं, कॉन्फिडेंस कभी डाउन होनी नहीं देना, एग्जाम में तो फुल लेना है, AIR 1 हमारी है, इस लेवल से बैठना है कोई एग्जाम में, तो समझ में आ रही है, एग्जाम भाई वो 3 घंटे में तो अपना बेस्ट देना है, कॉन्फिडेंस डाउन करने का मतलब नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन करते ही तुम्हारा दिमाग उससे एक्टिवली काम नहीं करेगा और उल्टा रिजल्ट खराब कर लोगे अपना, आते हुए क्वेश्चन छोड़ दोगे, उस बात कभी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अब पहले अटेम्प्ट में तुमने टिक वाले कर लिए, अच्छी बात है, चलो टिक वाले तुमने 2.5 घंटे में, मैं तो करो 40% क्वेश्चन करे, नहीं हुए 50% में 40% करे तुमने क्वेश्चन, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास आधा घंटा बचा है ना,
पर इन 2.5 घंटे में तुम्हारा फायदा क्या है? सबसे पहले क्योंकि जो चीजें तुम्हें 100% आती थी तुमने वो तो कर डाला ना, तुमने अपना बेस्ट दे दिया है। अब इसमें वो चांस नहीं तुम्हारे लास्ट के 15 क्वेश्चन छूट गए, उन 15 में से 10 क्वेश्चन वो थे जो तुम कर लेते, वो तो नहीं छूटे ना, वो तो तुमने अटेम्प्ट कर लिए। अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या करोगे? हमेशा पेपर 2 अटेम्प्ट में करा जाता है, हमेशा याद रखना है ना, ठीक है? अगले संडे तुम AIR1 वगैरह सुपर जीनियस नहीं हो जो देखते ही 2 घंटे में सारे पेपर कर देता है। एवरेज बच्ची के लिए यही है ना, हम सब एवरेज ही हैं, क्लियर है क्या? ये तो देखना ही नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट में क्या करेंगे? ये तो हो गए हमारे, ये तो देखना भी नहीं हमको। अब सर्किल वाले अब उठाओ, अब आधे घंटे का टाइम है ना, मान लो तुमने 20 क्वेश्चन पे सर्किल मारा था, मान लो अब सर्किल वाले उठाओ करो टाइम, अब कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे में बढ़ो। अब वो 10 मिनट वाला भी कर लो, 10 मिनट वाला तो खैर नहीं करना तुम्हें, अगर दिख रहा है कि भाई 5 मिनट वाला क्वेश्चन था, वैसे तो 2 मिनट टाइम है ना, पर तुम्हें दिख रहा है 5 मिनट में ही हो जाएगा तो अब उसे कर लो, चलो कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन देख के लग रहा था शायद हो जाएगा, शायद नहीं हो जाएगा, उस पर भी अब टाइम लगा लो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता नहीं। अब उनमें से भी तुम्हारे 20 में से 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो ये हमेशा शायद वाले बाद में करने, पहले अटेम्प्ट में हमको क्या करना है? अच्छी एक मतलब गिनना नहीं है, वहाँ पे गिनना नहीं है कि 50% ही मेरे को करने हैं, ये एक आइडिया है काउंट करने में जो 45 हो गए भाई, ये आइडिया है कि पहले अटेम्प्ट में हमको वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमको 100% आते हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको क्रॉस मार के भूल जाना है। अच्छी बात है 50% क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये, इसमें दुखी होने की कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है तुम्हारा, समझ में आई बात? क्लियर है क्या? अगली बार किसी का भी पेपर नहीं छूटना चाहिए, अभी तक की तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है भाई, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखा है। अच्छी बात है अगर तुम अपनी कोई स्ट्रेटजी डेवलप करते हो वो तुम्हें इससे अच्छा रिजल्ट देती, करो हमारे साथ शेयर करो, उसको यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए अगले एग्जाम में सब ये यूज़ करेंगे, क्लियर है क्या? एक बार यूज़ करो, देखो कैसा आता है रिजल्ट। तुम अगर इसको बहुत जल्दी कर लोगे ढूंढ के तुम्हारे पास और ज़्यादा टाइम है, इनको फिर खत्म करो। किसी भी केस में ये बेस्ट रिजल्ट देगा यार, किसी भी केस में देगा ये बेस्ट रिजल्ट। आ रही बात समझ में? चलो बोलो, लिख लो।